ये जुगाड़ आपने कहाँ पर तैयार करवाया है सर? नीमच में कराया था जी। और सबसे पहले आपका नाम बताएं। नाम तो हीरालाल जी। हीरालाल जी, तो हीरालाल जी आपने जो स्टार गाड़ी यूज करी है तो ये कितने साल पुरानी मोटरसाइकिल है? ये 8-9-10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी जी। तो ये जुगाड़ आप कितने साल से चला रहे हैं? ये 3 साल। 3 साल हो गए जी। तो कितनी बार आप सोयाबीन की करपनी इस जुगाड़ से आप करते हैं? चार बार पांच बार करते हैं। इस प्रकार का जुगाड़ कौन सी मोटरसाइकिल पर सही रहता है? स्टार पे सही रहता है। ये राजदूत। अच्छा, तो इस जुगाड़ को जैसे कि किसान बनवाए तो मोटरसाइकिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? नहीं आती। इंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं। 4 साल हो गए आपको। आयल मोटरसाइकिल का टाइम से टाइम बदलाव करें। अच्छा, तो इसके जैसे कि करपनी कर देंगे तो वापस आप खोल लेंगे इस जुगाड़ को? खोल लेंगे। जी। और वापस मोटरसाइकिल आप घर पे ही फिटिंग कर लेते हैं सारा? नहीं, दुकान पे कराते हैं। दुकान से करवाते हैं? कितना खर्चा आता है दुकान से करवाते हैं फिटिंग आप? देते हैं 100-200-300। 300 रुपए लेते हैं और फिटिंग कर देते हैं जी। तो इस जुगाड़ के बारे में अन्य किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि मोटरसाइकिल का जुगाड़ सही रहता है या ट्रैक्टर से करपनी सही रहती है? मोटरसाइकिल का बढ़िया है। मोटरसाइकिल का सही रहता है जी। ट्रैक्टर का नहीं, मोटरसाइकिल ही सही रहता है। मोटरसाइकिल का सही रहता है। ट्रैक्टर में क्या दिक्कत आती है? गुंदान ज्यादा है, सोयाबीन पंगे। सोयाबीन का नुकसान होता है। मोटरसाइकिल का जुगाड़ बढ़िया रहता है। कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप सुबह? सुबह नकायता नहीं, इनमें 3-4 लीटर नकायता। 4 लीटर? 4 लीटर वापिस शाम को खत्म हो जाता है? तो नहीं भी। अच्छा, तो कितने दिन चल जाता है ये 4 लीटर? कल तो वापिस और नाकना पड़ेगा। अच्छा, कल वापिस डालना पड़ेगा। तो एक दिन में 300 रुपए समथिंग, ये 300 रुपए के सुबह शाम तक ये जुगाड़ 300 रुपए का तेल खा लेता जी। तो एक दिन में आप कितने बीघा करप लेते हो? ये अभी छोटी सोयाबीन है जी, बड़ी है नहीं, तो 10-12 बीघा 15 बीघा जगह। अच्छा, छोटी सोयाबीन है। कौन से गियर पे चलाते हैं आप इसमें? ये फर्स्ट गियर में चलाते हैं। और सोयाबीन फिर बड़ी हो जाएगी वो, फिर बाद में कौन सा गियर चलाएंगे आप? फिर दूसरा गियर में चलाएंगे। सेकंड गियर में? कोई दिक्कत तो नहीं आती जी। तो किसान आपके हिसाब से मोटरसाइकिल का जुगाड़ बनवाए? बढ़िया रहता है जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जैसा कि सामने बासाब है, उन्होंने जो मोटरसाइकिल का जुगाड़ है वो तैयार करवाया है। तो कितना खर्चा आया है जुगाड़ को बनवाने में? आया था 20 हजार का खर्चा आता है। कौन सी भी मोटरसाइकिल पे बनाओ 20 हजार का खर्चा आएगा? गाड़ी अपनी। अच्छा, 20 हजार का खर्चा आया जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि ये सामने बासाब है, ये 20 हजार का खर्चा आया है, तो काफ़ी शानदार जुगाड़ है। और इन्होंने बोला है कि मोटरसाइकिल का जुगाड़ ही सही रहता है। इससे क्या है कि जो फसल का जो खरपतवार है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, मोटरसाइकिल का जुगाड़ ही बनवाएं आप, इससे आपको ज़्यादा से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा ले सकते हैं। और सामने आप देख रहे हैं किसान भाइयों, काफ़ी खरपतवार हैं इस खेत में जो करप रहे हैं, वो काफी शानदार तरीके से यह जुगाड़ कार्य कर रहा है। ये जुगाड़ राउंड में घुमाते हैं ताकि जो फसल है, जो मेड़ पर जो फसल रहती है सोयाबीन की, उसमें नुकसान कम से कम हो और आसानी से यह जुगाड़ घुमाया जा सकता है। कितने दिन की यह फसल करप रहे हैं सर? 8 दिन। अच्छा, 8 दिन की है जी। तो दोस्तों, काफी शानदार तरीके से यह जुगाड़ कार्य कर रहा है।
तो इसी प्रकार का आप अपने नजदीकी मिस्त्री से यह जुगाड़ आसानी से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के जवाब में दे पाऊं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपने किसान भाइयों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना किसान, बदलते भारत की शान।